रात में प्रभु हमको अपने साथ जागते रहने के लिए बुलाते हैं। प्रभु कहते हैं, मेरे साथ जागते रहो। प्रभु ने आज के दिन हमारे सामने हमारे लिए अपना असीम प्रेम प्रकट किया। योहन के सुसमाचार के अध्याय 13 वाक्य 1 में हम पढ़ते हैं, पास्का पर्व के पूर्व दिन ईसा जानते थे कि मेरी घड़ी आ गई है और मुझे इस संसार छोड़कर पिता के पास जाना है। वे अपने को जो इस संसार में थे प्यार करते आए थे और अब अपने प्रेम का सबसे बड़ा प्रमाण देने वाले थे। जब प्रभु अपने प्रेम का सबसे बड़ा प्रमाण देने वाले थे, उस समय प्रभु चाहते हैं कि सभी लोग उनके साथ जागते रहे। इसीलिए हम परम प्रसाद के सामने उपस्थित हैं। इस दुनिया में आकर मानव जाति की मुक्ति के कार्य को उन्होंने पूरा किया। उस मुक्ति कार्य में हमें सम्मिलित करना चाहा। इसीलिए उन्होंने कहा, तुम लोग मेरे साथ जागते रहो। आइए इस समय में हम पूरी तरह जागते रहे, पूरी तरह प्रभु के बारे में ही सोचे, प्रभु में लीन रहे, प्रभु के साथ हृदय की एकता महसूस करें, अपनों को वे अपना प्यार दिखा रहे थे, अपने प्यार का सबसे बड़ा प्रमाण दे रहे थे। प्रभु यीशु के प्यार का सबसे बड़ा प्रमाण इस पावन रोटी में है, जिसे लेकर उन्होंने कहा, ले लो इसमें से खाओ। और दाखरस भरा कटोरा लेकर उन्होंने कहा, इसे लो और इसमें से पी लो। मेरा शरीर, मेरा रक्त, यह तेरा जीवन बने, यही प्रभु की इच्छा है। इस दुनिया के हर एक मनुष्य के जीवन के लिए, अनंत जीवन के लिए अपनी जान की कुर्बानी देकर उन्होंने कहा, ले लो और खाओ, ले लो और पी लो। उसी महानतम प्यार को आज हम महसूस करते हैं। शरीर धारण के बारे में इब्रानियों के पत्र में लिखा गया है, इसलिए मैंने कहा, ईश्वर मैं तेरी इच्छा पूरी करने आया हूं, जैसा कि धर्म ग्रंथ में मेरे विषय में लिखा हुआ है। मसीह ने पहले कहा, तूने यज्ञ चढ़ावा होम या
प्रायश्चित का बलिदान नहीं चाहा, तू उनसे प्रसन्न नहीं हुआ। यद्यपि ये सब संहिता के अनुसार ही चढ़ाए जाते हैं, तब उन्होंने कहा, देख मैं तेरी इच्छा पूरी करने आया हूं। अपने परम पिता की इच्छा को पूरा करने के लिए प्रभु हमारे बीच में आते हैं और पिता के प्रति अपने प्रेम को चरम सीमा तक पहुंचाकर साथ साथ हर एक मनुष्य के लिए अपने प्रेम को चरम सीमा तक पहुंचाकर यूकरिस्ट की स्थापना की। आइए हम उसी महानतम कार्य को याद करते हुए प्रभु से विनती करें कि प्रभु हमारे साथ हमेशा रहे। एम्माउस जाने वाले शिष्यों ने प्रभु से कहा था, हमारे साथ रह जाइए। प्रभु जो इम्मानुएल है, जिसका अर्थ है ईश्वर हमारे साथ रहना चाहते हैं। आज हम प्रभु से कहे, साथ रहना प्रभु जी, हमारे साथ रहना। फिलिपियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 2 में संत पौलुस बहुत अच्छे ढंग से इसी बात को हमारे सामने रखते हैं, किस प्रकार प्रभु यीशु अपने आप को दीनहीन बनाते हैं। फिलिपियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 2 वाक्य 5-10 तक के वचनों में हम पढ़ते हैं, आप लोग अपने मनोभावों को ईसा मसीह के मनोभावों के अनुसार बना ले। वह वास्तव में ईश्वर थे और उनको पूरा पूरा अधिकार था कि वह ईश्वर की बराबरी करें, फिर भी उन्होंने दास का रूप धारण कर तथा मनुष्यों के समान बनकर अपने को दीनहीन बना लिया और उन्होंने मनुष्य का रूप धारण करने के बाद मरण तक, हाँ क्रूस पर मरण तक आज्ञाकारी बनकर अपने को और भी दीनहीन बना लिया। मेरे प्रति अपने प्यार का प्रमाण देने हेतु वे अपने आप को दीनहीन बना लेते हैं, मरण तक, हाँ क्रूस मरण तक। आइए हम उसी प्रेम में लीन रहे। I'm
प्रभु यीशु के इस धरती पर आगमन के सैकड़ों साल पहले ही नबी ईसाया ने मसीह के बारे में कहा था, मसीह के दुख भोग के बारे में कहा था। वह मनुष्यों द्वारा निंदित और तिरस्कृत था, शोक का मारा और अत्यंत दुखी था। लोग जिन्हें देखकर मुंह फेर लेते थे, उनकी तरह ही वह तिरस्कृत और तुच्छ समझा जाता था। परंतु वह हमारे ही रोगों को अपने ऊपर लेता था और हमारे ही दुखों से लदा हुआ था, और हम उसे दंडित, ईश्वर का मारा हुआ और तिरस्कृत समझते थे। हमारे पापों के कारण वह छेदित किया गया है, हमारे कुकर्मों के कारण वह कुचल दिया गया है। जो दंड वह भोगता था, उसके द्वारा हमें शांति मिली है, और उसके घावों द्वारा हम भले चंगे हो गए हैं। हमारा बोझ अपने ऊपर लेकर, सारी मानव जाति के पापों के बोझ को अपने कंधे पर लेकर, हमें बचाने के लिए मसीह कलवारी पहाड़ी की ओर गए थे। इन सब का कारण एक ही है, उनके हृदय का प्यार, उनका प्यार भरा हृदय। हम में से हर एक व्यक्ति को अपने हृदय में ग्रहण करने की कोशिश करने वाले हमारे सृष्टिकर्ता मुक्तिदाता प्रभु ईश्वर, वे हमारे ही पापों के बोझ को उठाते हैं, हमारे ही कारण उनको दुख सहना पड़ा। इसीलिए आइए हम हमारे अपने पापों के लिए, हमारे गुनाहों के लिए, त्रुटियों कमजोरियों के लिए गिड़गिड़ाकर उनसे माफी मांगे, उनके चरणों में हमारे जीवन को समर्पित करके आइए हम उनसे विनती करें, हे प्रभु, हमारे पापों को तू दूर कर, हमें अपने पापों से छुटकारा दिला। आप लोगों का अनुवाक्य रहेगा, हे प्रभु अपनी करुणा से हमें बचा, हे प्रभु अपनी करुणा से हमें बचा, पापों से, हे प्रभु अपनी करुणा से हमें बचा, कुकर्मों से, हे प्रभु अपनी करुणा से हमें बचा, बुराइयों से, हे प्रभु अपनी करुणा से हमें बचा, दुर्गुणों से, हे प्रभु अपनी करुणा से हमें बचा, बेचैनी से, हे प्रभु अपनी करुणा से हमें बचा, अशांति से, हे प्रभु अपनी करुणा से हमें बचा, घबराहट से, हे प्रभु अपनी करुणा से हमें बचा, अविश्वास से, हे प्रभु अपनी करुणा से हमें बचा, प्रलोभन से, हे प्रभु अपनी करुणा से हमें बचा, शैतान के फंदों से, हे प्रभु अपनी करुणा से हमें बचा, शैतान के प्रपंचों से, हे प्रभु अपनी करुणा से हमें बचा, शैतान के प्रभाव से, हे प्रभु अपनी करुणा से हमें बचा, अंधकार के ताकतों से, हे प्रभु अपनी करुणा से हमें बचा, शत्रुओं की योजनाओं से, हे प्रभु अपनी करुणा से हमें बचा, दुर्घटनाओं से, हे प्रभु अपनी करुणा से हमें बचा, निराशा से, हे प्रभु अपनी करुणा से हमें बचा, आलस्य से, हे प्रभु अपनी करुणा से हमें बचा, घमंड से, हे प्रभु अपनी करुणा से हमें बचा, ईर्ष्या तथा जलन से, हे प्रभु अपनी करुणा से हमें बचा, लालच से, हे प्रभु अपनी करुणा से हमें बचा, अनीति से,
हे प्रभु अपनी करुणा से हमें बचा अन्याय से, हे प्रभु अपनी करुणा से हमें बचा अनैतिकता से, हे प्रभु अपनी करुणा से हमें बचा अश्लील बातों से, हे प्रभु अपनी करुणा से हमें बचा बुरे विचारों से, हे प्रभु अपनी करुणा से हमें बचा बुरी आदतों से, हे प्रभु अपनी करुणा से हमें बचा नशेबाजी से, हे प्रभु अपनी करुणा से हमें बचा अशोभनीय व्यवहार से, हे प्रभु अपनी करुणा से हमें बचा बुरी योजनाओं से, हे प्रभु अपनी करुणा से हमें बचा शारीरिक वासनाओं से, हे प्रभु अपनी करुणा से हमें बचा दुनियावी दृष्टिकोण से, हे प्रभु अपनी करुणा से हमें बचा नरक की अग्नि से, हे प्रभु अपनी करुणा से हमें बचा। हे प्रभु हमारे पापों के कारण तुझे प्राण वेदना महसूस हुई, हम शर्मिंदा है। हमारे पापों के लिए हम पश्चाताप करते हुए, सारी मानव जाति के पापों के लिए पश्चाताप करते हुए हम तेरी माफी चाहते हैं। जुदा मेरी बसी
चालीसा काल में हम क्रूस रास्ते में भाग लेते हैं। उस समय हम याद करते हैं कि प्रभु यीशु अपने दुखों को भूलकर यरूशलेम की स्त्रियों को सांत्वना देते हैं, अपने दुखों को, अपने दर्द को भूलकर। प्रभु हमारी भलाई चाहते हैं। जब प्रभु की प्राण पीड़ा हुई गेत्सेमनी की बारी में, उस समय भी प्रभु यीशु अपने दुख संकट के बावजूद भी शिष्यों के बारे में सोच रहे थे। थोड़ी देर प्रार्थना करने के बाद वे शिष्यों के पास आते हैं। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 26 वाक्य 41 में लिखा गया है, प्रभु यीशु वापस अपने तीन शिष्यों के पास आते हैं, पेत्रुस, याकूब और योहन, जो उनके करीब के शिष्य थे। 12 में से उनको अलग किया था कुछ विशेष अवसरों पर। यीशु ने उनको भी अपने साथ रहने दिया। प्राण पीड़ा के अवसर पर उन्होंने इन शिष्यों से कहा था, जागते रहो और प्रार्थना करो। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 26 वाक्य 41 में बताता है कि प्रभु उनके पास वापस आकर कहने लगते हैं, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो जिससे तुम परीक्षा में न पड़ो। प्रभु उनके पास जाकर मेरे लिए प्रार्थना करो नहीं कहते हैं, बल्कि प्रभु कहते हैं तुम लोग जागते रहो, प्रार्थना करो ताकि तुम परीक्षा में न पड़ो, तुम परीक्षा में न पड़ो। उस समय भी प्रभु पेत्रुस, याकूब और योहन के बारे में सोच रहे थे। हमें मालूम है उस समय भी शिष्यों के लिए जागते रहना कठिन था, और इसीलिए पेत्रुस परीक्षा में पड़ जाते हैं, 3 बार प्रभु को अस्वीकार करते हैं। प्रधान याचक के घर पे साधारण मनुष्यों के सामने अपने प्रभु और गुरु को वे अस्वीकार करते हैं। हम लोगों को भी यही कहानी है, हमारी भी यही कहानी है। हम भी प्रभु को कई बार अस्वीकार करते हैं, प्रभु के साथ हम भी कई बार विश्वासघात करते हैं। हमारे पाप के बोझ को हम प्रभु के कंधों पर रख देते हैं। आइए हम प्रभु की प्राण पीड़ा को याद करें और हमारे पापों के लिए गिड़गिड़ाकर माफी मांगे। हमारे पापों के कारण ही उन्हें अत्यंत दुख सहना पड़ा, क्रूस पर अपने जान की कुर्बानी देनी पड़ी। आइए हम उनसे हमारे पापों के लिए माफी मांगते हुए उनसे कहे, हे प्रभु हम पर दया कर। हे प्रभु हम पर दया कर। हे प्रभु हमारे पापों के कारण तूने हमारे लिए प्राण पीड़ा महसूस की। हे प्रभु हम पर दया कर। हे प्रभु हमारे पापों के कारण तूने हमारे लिए रक्त का पसीना बहाया। हे प्रभु हम पर दया कर। हे प्रभु हमारे पापों के कारण तू कोड़ों से मारा गया। हे प्रभु हम पर दया कर। हे प्रभु हमारे पापों के कारण ही तुझे कांटों का मुकुट पहनाया गया। हे प्रभु हम पर दया कर। हे प्रभु हमारे पापों के कारण तेरा उपहास किया गया। हे प्रभु हम पर दया कर। हे प्रभु हमारे पापों के कारण तेरा अपमान किया गया। हे प्रभु हम पर दया कर। हे प्रभु यीशु
हमारे पापों के कारण तुझे क्रूस पर मृत्यु स्वीकार करनी पड़ी। हे प्रभु हम पर दया कर। हे प्रभु हमारे प्रिय यीशु, हमारे अपराधों के कारण तू बार बार धरती पर गिरा। हे प्रभु हम पर दया कर। हे प्रभु यीशु, हमारे अपराधों के कारण तेरे हाथ पैरों पर कीले टोके गए। हे प्रभु हम पर दया कर। हे प्रभु यीशु, हमारे अपराधों के कारण तेरे बगल को छेदा गया। हे प्रभु हम पर दया कर। हे प्रभु यीशु, हमारे अपराधों के कारण तुझे बड़ी वेदना महसूस हुई। हे प्रभु हम पर दया कर। हे प्रभु यीशु, हमारे अपराधों के कारण तू घायल किया गया। हे प्रभु हम पर दया कर। हमारे गुनाहों के कारण तेरे कपड़े उतारे गए। हे प्रभु हम पर दया कर। हे प्रभु यीशु, हमारे गुनाहों के कारण ही तूने मारने वालों के सामने अपनी पीठ कर दी। हे प्रभु हम पर दया कर। हे प्रभु राजाधिराज, हमारे गुनाहों के कारण ही तूने दाढ़ी नोचने वालों के सामने अपना गाल कर दिया। हे प्रभु हम पर दया कर। हे प्रभु यीशु, हमारे गुनाहों के कारण तूने अपमान करने वाले और दुखने वालों से अपना मुंह नहीं छिपाया। हे प्रभु हम पर दया कर। हे राजाधिराज प्रभु होंगे प्रभु यीशु, हमारे गुनाहों के कारण तेरी आकृति इतनी विरूपित की गई कि तू मनुष्य नहीं जान पड़ता था। हे प्रभु हम पर दया कर। हे प्रभु यीशु, हमारे कुकर्मों के कारण तू मनुष्यों द्वारा निंदित तथा तिरस्कृत बन गया। हे प्रभु हम पर दया कर। हे प्रभु यीशु, हमारे कुकर्मों के कारण तू छेदित किया गया। हे प्रभु हम पर दया कर। हे प्रभु यीशु, हमारे कुकर्मों के कारण तेरी गिनती कुकर्मियों में हुई। हे प्रभु हम पर दया कर। हे प्रभु, हमारे कुकर्मों के कारण तेरी कब्र विधर्मियों के बीच बनाई गई। हे प्रभु हम पर दया कर। हे प्यारे प्रभु, हमारी मुक्ति के लिए तू अपने ऊपर किए गए अत्याचारों को धैर्य पूर्वक सहता गया। हे प्रभु हम पर दया कर। हे प्रभु, तूने हमारे रोगों को अपने ऊपर ले लिया। हे प्रभु हम पर दया कर। हे प्रभु, इस अवसर पर हम अपने हर एक पाप को, हमारी हर एक बुरी आदतों को, हमारे गुनाहों को याद करते हैं। हम दृढ़ संकल्प करते हैं हम उन बुरी आदतों से पीछे हटेंगे, कुमार्गों को छोड़ देंगे, तेरे वचनों के अनुसार जीवन बिताने की कोशिश करेंगे। तेरा बोझ भारी था क्योंकि तूने हमारे बोझ को अपने ऊपर ले लिया था। हम हमारे पापों के लिए, कुकर्मों के लिए तुझसे गिड़गिड़ाकर माफी मांगते हैं। Thank you.
प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, मेरे पीछे चले आओ, मेरा अनुसरण करो। और शिष्यों ने सब कुछ छोड़ दिया और वे प्रभु के पीछे हो लिए। प्रभु ने जो भी कुछ किया उन सब को उन शिष्यों ने देखा और सीखा। उनके ओंठों से निकलने वाले हर एक शब्द को उन्होंने सुना और हृदय में ग्रहण किया। कुछ ऐसे भी अवसर आए जब वे विचलित हो गए। संत यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 6 में हम पढ़ते हैं कि जब प्रभु यीशु ने यह कहा कि तुम्हें मेरे शरीर को ग्रहण करना चाहिए जब तक तुम मेरा मांस नहीं खाओगे और मेरा रक्त नहीं पियोगे, तुझमें जीवन नहीं रहेगा। पावन यूकारिस्तीय संस्कार के बारे में प्रभु के इस कथन को सुनकर वे विचलित हो गए। बहुत से लोग चले गए लेकिन फिर भी शिष्य उनके साथ ही थे। पेत्रुस ने कहा, जब उनसे पूछा गया क्या तुमको भी जाना है, पेत्रुस ने कहा, हम किसके पास जाए, तेरे ही पास अनंत जीवन का संदेश है। लेकिन फिर भी क्रूस को देखकर वे विचलित हो जाते हैं। वे सब चले जाते हैं। जब सैनिक प्रभु यीशु को पकड़ लेते हैं, प्रभु ने पहले कहा था, प्रार्थना करो ताकि तुम परीक्षा में नहीं पड़ोगे। हे प्रभु, इस पावन रात में हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, शैतान के फंदों से हमें बचा, परीक्षा के समय हमारे साथ रहकर हमें शक्ति दे, क्षमता दे, ताकि हम शैतान के सभी फंदों से बच जाए। हे प्रभु यीशु, सारी मानव जाति को अपनी छत्र छाया में तू सुरक्षित रख। क्रूस के नीचे खड़ी तेरी माता, शैतान के सिर को कुचलने वाली स्त्री हमारे लिए मध्यस्थता करे। तेरा पावन संस्कार यूकारिस्त हमारी मदद करे। तेरा वचन जो आत्मा की तलवार है हमारे हृदय में हमेशा सशक्त बना रहे। हम सारी मानव जाति को तेरे क्रूस के नीचे समर्पित करते हुए सारी मानव जाति के लिए प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु, कृपा पूर्वक हम पर दया कर, हमें मुक्ति दिला। हे प्रभु, कृपा पूर्वक हम पर दया कर, हमें मुक्ति दिला। हे प्रभु, कृपा पूर्वक हम पर दया कर, हमें मुक्ति दिला।
आइए हम सारी सृष्टि की ओर से, सर्व चराचर की ओर से, सारी मानव जाति की ओर से उस महानतम ईश्वर के प्रेम के प्रति धन्यवाद की भावना के साथ सिर झुकाकर, घुटने टेक कर उनकी आराधना करें।